गोरी बहू का बेटा और काली बहू की बेटी की होली। ये लीजिए, आपकी छोटी बहू को बेटा हुआ है। नर्स ने जैसे ही बच्चे को केतकी की गोद में दिया, उसका सीना मारे खुशी के गदगद हो गया। उसने झट से नोटों की गड्डी वार कर उसको दे दी। ये लो नर्स, इसकी खुशी में ये तुम्हारे लिए। जिसके थोड़ी ही देर में कावेरी की बड़ी बहू ने भी एक बेटी को जन्म दिया। बेटी हुई है ये जानकर केतकी ने मन छोटा कर लिया और साथ ही कावेरी को बहुत कोसा। बेड़ा गरक हो तेरा, बेटी जन्मी है। माँ जी, बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? मेरी काली बहू, तुझे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, दहेज थोड़ी जोड़ना है तुझे। मेरे बेटे की रोई नोच कर ले जाएगी तेरी ये बेटी। बेटा होता तो कल को सहारा बनता, ये तो ढोकर ले जाएगी। केतकी का रुझान बेटे और बेटी के प्रति बहुत ही पिछड़ा हुआ था, और एक कारण ये भी था कि केतकी की बड़ी बहू कावेरी जहाँ बड़े ही काले रंग की थी, तो वहीं उसकी छोटी बहू माधुरी दूध की तरह गोरी सुंदर थी। और बेटा होने के बाद तो जैसे सास की नज़र में अब उसका मान और ज़्यादा बढ़ गया। गाजे बाजे के साथ केतकी अपनी गोरी बहू माधुरी और उसके बच्चे को गोद में लिए घर आई। वहीं उसकी काली बहू और उसकी बेटी के साथ दो आँख किया। यूं ही दिन गुजरने लगे। एकदम चांद सी सूरत पाई है, ले 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 ले, दादी का पाला छपोता। सोफे पर बैठी केत की गोरी बहू के बेटे को बड़े ही लाड से खिला रही थी। लगता है इसे भूख लगी है। माधुरी बहू, ये ले। आ जा मेरे प्यारे राजा बेटा। क्या हुआ मम्मा का प्यारा निशु? माधुरी अपने बेटे को गोद में लेकर कमरे में चली जाती है। वहीं अपनी दुधमुही बेटी को बिलकता छोड़कर भी कावेरी सास के अड़ाए कामों में लगी थी। माँ जी, गुड़िया बहुत रो रही है, मैं उसे दूध पिलाऊं? खबरदार, जो एक भी डग बढ़ाया तो पहले काम निपटा। पता नहीं कैसी चटोरी बेटी को पैदा किया है, दिन भर दूध के लिए भे 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 किए रहती है। दो घड़ी दूध नहीं पिएगी तो मर नहीं जाएगी तेरी बेटी। कावेरी का मन अपनी मासूम बेटी को सीने से लगाने के लिए मचल उठा, पर केतकी का कठोर मन नहीं पिघला। इसी फर्क के साथ दोनों के बेटे और बेटी 5 साल के हो गए। केतकी ने खर्चा बचाने के लिए अपनी काली बहू की बेटी का दाखिला एक सरकारी स्कूल में दिलवा दिया, जबकि अपने पोते को एक प्राइवेट स्कूल में डाला। होली का त्योहार आने को था। दादी दादी, मुझे बड़ी वाली पिचकारी चाहिए और गुब्बारे के पैकेट भी, मुझे होली खेलने हैं। ले 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 ले, मेरे लाडे सर को पिचकारी चाहिए। दादी अपने प्यारे पोते को पिचकारी जरूर दिलाएगी। ये कहकर केतकी ने अपनी गोरी बहू के बेटे के हाथ में 500 रुपए का नोट फट से थमा दिया। जा खरीद ले पिचकारी। थैंक यू दादी। निशु सपना को नोट दिखाकर चला गया। तभी सपना ने भी बड़ी मासूमियत भरे अंदाज से अपनी दादी के आगे हाथ पसार कर कहा, दादी मुझे भी पिचकारी चाहिए और गुब्बारे भी, मैं भी होली खेलूंगी, मुझे भी पैसे दो ना। ये सुनकर केतकी ने दांत पीस लिया और कड़वे लहजे में बोली, तू क्या करेगी पिचकारी का? हाँ, लड़की है, लड़की की तरह रह। जा जाकर अपनी कोयला खदान माँ के साथ खाना पकाना सी। केतकी ने अपनी काली बहू की बेटी को डांट कर भगा दिया। दूर खड़ी कावेरी ये सब देख रही थी। सपना आंखों में आंसू लिए आकर अपनी माँ से सट कर रोने लगी। माँ, दादी सिर्फ माधुरी चाची के बेटे को प्यार करती है, मुझे प्यार नहीं करती है। कोई बात नहीं गुड़िया, मैं हूं ना। इतने में माधुरी आकर इतराते हुए बोली, पता है सपना, दादी तुझे प्यार इसीलिए नहीं करती क्योंकि तू बेटी है, समझी? ये सुनकर उस मासूम का नाजुक सा दिल क्षण भर में टूट गया। वक्त गुजरता गया। माधुरी बहू, निशु जल्दी आओ वरना बाजार में भीड़ मच जाएगी। एक ओर से गोरी बहू अपने बेटे के साथ तो वहीं दूसरी ओर से काली कावेरी अपनी बेटी के साथ आती है। उन्हें देख माधुरी बुरा सा मुंह बनाकर ऐंठ कर बोलती है, माँ जी क्या ये दोनों भी हमारे साथ चल रही हैं? क्यों माधुरी, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते हैं? जेठानी जी, एक बार अपना हुलिया देखिए, एक तो वैसे ही सूरत इतनी काली मटमैली है, अरे थोड़ा मेकअप ही कर लेती। तू चिंता मत कर माधुरी बहू, ये दोनों माँ बेटी हमारे साथ नहीं जाएंगी। माँ जी, सपना का बड़ा मन है बाजार घूमने का, बस उसे भी होली के लिए एक जोड़े कपड़े दिला देती। क्यों रे मेरी काली बहू, तूने क्या मुझे नोट दिए हैं? हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है। केतकी ने अपनी गोरी बहू और उसके बेटे के लिए होली के लिए कपड़े, रंग, गुलाल सब दिलाया। होली का दिन भी आ गया। केतकी अपनी गोरी बहू और पोते के साथ खूब होली खेलती है। मैंने दादी को पिचकारी से भिगो दिया।
पोते के साथ होली खेलने का सुख बड़े भाग्य से मिलता है। माधुरी बहू, तूने इस घर को बेटा देकर मेरा सम्मान बढ़ाया है। माँ जी, ये तो आपके पुण्य प्रताप और आशीर्वाद का फल है। माधुरी ने अपनी मीठी मीठी बातों से अपनी सास का मन मोह रखा है, जबकि असल में वो रूप की जितनी धनी थी मन की उतनी कपटी थी। बेचारी काली बहू का सारा दिन होली के त्योहार में पकवान बनाने में ही बीत गया। सपना सारा दिन अपनी माँ के साथ काम करवाती रही। उनकी होली बिना रंग खेल की बीत गई। ऐसे ही हर साल होली का त्योहार आता तो जरूर, मगर खुशियों भरा सिर्फ केतकी की गोरी बहू और उसके बेटे के लिए होता। देखते ही देखते 12 साल बीत गए। एक बार फिर होली का त्योहार आया। केतकी ने हर बार की तरह इस बार भी होली की खातिर भाव की सारी जिम्मेदारी अपनी काली बहू को दे दी। सुन मेरी काली बहू, इस बार होली के पकवानों में गुजिया खस्ता के अलावा साबुदाने और सूजी के पापड़ भी बनाना, और दही भल्ले तो जरूर, क्योंकि निशु को दही भल्ले बहुत पसंद है। दादी, मुझे दही भल्ले के साथ इमली वाली चटनी पसंद है और कचौड़ी भी खाऊंगा। हाँ हाँ, सब बनेगा। मेरा पोता कहे और उसकी पसंद के पकवान न बने, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा भेदभाव देखकर सपना का मन भड़ास से भर गया और उसने कहा, हर बार माँ ही क्यों दादी, दही भल्ले चाची के बेटे को पसंद है तो वो भी तो बना सकती है, और मेरा सारा दिन इसी में बीत जाता है। मौका पाते ही माधुरी अपनी सास को भड़का कर बोली, देख लीजिए माँ जी, जेठानी जी की बेटी की जुबान कितनी तेज है। सपना, बेटी जात को इतना बोलना शोभा नहीं देता, समझी? क्यों दादी, ये बात निशु पर भी तो लागू होनी चाहिए जब वो सबसे जुबान लड़ाता है। केतकी गुस्से में तमतमा कर जोर से चाटा सपना को मारती है। और तू कोयले की खान समझा, इस घर के बेटे की बराबरी मत कर लड़की, समझा इसे? बड़ी आई थी मुझसे जुबान लड़ाने, अच्छा मजा चखा है सासू माँ ने। कावेरी मौन होकर अपनी बेटी पर अपनी सास का अत्याचार होते देखती रही। उनके जाने के बाद वो सिसक सिसक कर रोने लगी। अपनी इस माँ को माफ कर दे बिटिया, कल तक रूप रंग को लेकर मेरे साथ भेदभाव होता रहा, पर आज मेरी बेटी को भी सताया जा रहा है। मैं तो पढ़ लिख ना सकी, मगर तू पढ़ लिख जा। सपना पढ़ने में बहुत ही तेज तरार थी, जबकि निशु उतना ही निकम्मा था। देखते ही देखते होली का दिन आ गया। सपना अपनी माँ का हाथ बटाती है। दोनों सादे पुराने कपड़ों में थी, जबकि माधुरी सजी धजी हुई वहां आई और खुद के रंग रूप और बेटे पर घमंड खाती हुई बोली, दोनों माँ बेटी पकवान पकाते हुए कितनी अच्छी लग रही हो, ठाट तो मेरी है जेठानी जी, ओए होए क्या मीठे गुजिया बनाए हैं। खुद पर इतना भी मत इतराओ माधुरी, परमात्मा कब किसके दिन फेर दे कोई नहीं जानता। माधुरी के पास कावेरी की बातों का जवाब देने के लिए कुछ भी शब्द नहीं थे। केतकी ने अपनी गोरी बहू और बेटे को होली के शगुन में पैसे, रंग, गुलाल, मिठाई से भरे थाल दिए। बहुत बधाई हो, ये लो मेरी प्यारी बहू और उसके बेटे को होली की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू माँ जी। इस बार भी केतकी ने अपनी काली बहू और उसकी बेटी को दुत्कार दिया, उन्हें जरा सा भी रंग नहीं लगाया। ऐसे ही वक्त बीतता रहा। सपना पूरी मेहनत और लगन से 12वीं में फर्स्ट आई, जबकि निशु बुरे अंकों से पास हुआ। सपना आईएएस बनने की पढ़ाई करती रही। उसकी रात रात भर जाग कर की गई पढ़ाई की मेहनत रंग लाई, और वो दिन भी आ गया जब उसके तन पर अफसर की साड़ी सज गई। एक बड़ी सी गाड़ी में होलिका दहन के दिन बैठकर जब वो गाड़ी से उतरी तो उसे देखकर माधुरी छाती पीटती रह गई। ये तो जेठानी जी की बेटी है, हाय या अफसर बन गई। होली की बहुत बहुत बधाई हो, प्रणाम माँ। सपना ने अपनी माँ के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। उस पल जैसे कावेरी का मन भर गया। उसके चेहरे पर गर्व भरी एक मुस्कान थी, जिसे देखकर शब्दों ने केतकी का साथ छोड़ दिया। वो निशु को कोसती हुई बोली, इस लड़के ने तो मेरी नाक कटवा कर रख दी, वो बेटी होकर अफसर बन गई और ये निकम्मा का निकम्मा ही रह गया। ये सुनकर निशु ने केतकी की उम्र का जरा भी लिहाज नहीं किया और ऐंठ कर बोला, निकम्मा किसे कहा हा? बुढ़िया कहीं की, जब देखो बड़बड़ बड़बड़ किए रहती है। केतकी ने अपनी गोरी बहू के बेटे के लिए मन में जो आस लगाई थी वो उसी क्षण टूट गई। उसकी आंख पर पड़ा भेदभाव का पर्दा हट गया। कावेरी बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे रंग के लिए हमेशा तुम्हें कोसा और हमेशा फर्क किया। मैं गलत थी जो मानती थी कि बेटी बोझ होती है, कभी कुछ नहीं कर सकती, मगर आज देख लिया, बेटियां सब कुछ करके दिखा सकती हैं। आखिर में दोनों माँ बेटी की मेहनत सफल हो गई। अब केतकी की सोच एकदम बदल चुकी थी।